दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी? तो अभी बिहार में एग्ज़ाम जो मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की लाइन है लगी हुई है और तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए हम लोग फेमस हैं, दरोगा एग्ज़ाम, हमारा चैनल जिसके लिए फेमस था, 24 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम है मेंस। और सभी ने जोर शोर से मेहनत किया है हमारे साथ जुड़ के, हमारे गाइडेंस पे या सेपरेटली सेल्फ स्टडी करके। अब उनके लिए अंतिम समय आ गया है। अब 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन क्या 9 दिन मान सकते हैं, 7 दिन 8 दिन। अब अंतिम समय में कुछ भी भटकना नहीं है, कुछ भी दो तीन चीज़ों का याद रखिएगा। सबका एडमिट कार्ड निकल गया है, एडमिट कार्ड एक कॉपी निकाल लीजिएगा और एक कॉपी निकाल के उसको रख लीजिएगा कहीं ऐसे जगह पे, क्योंकि फिर रिजल्ट आता है तो उस टाइम आप एडमिट कार्ड खोजने लगते हैं, ईमेल और ये सब चेक करने लगते हैं, ऐसे ही फ़ोन का झंझट हो रखा था। दूसरा, जो दिल्ली वगैरह में रह रहे होंगे वो अपना 2 दिन 3 दिन पहले ही टिकट करा के आ जाएंगे, पटना में जगह सुरक्षित खोज लेंगे, जहाँ उनका सेंटर पड़ा होगा वहाँ पे 1-2 दिन आके रह लेंगे। लास्ट टाइम की जर्नी मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं होती, होती है बट हम लोग भी मतलब आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है ना, भीड़ है, लगन वगैरह का टाइम है। तो 1 दिन पहले आके उस शहर में एक 200 400 500 का होटल आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी ये आप 6 लाख लोगों के बीच में नहीं, आप टॉप 50,000 में हैं और सब आपका तैयारी ठीक रहा होगा या मतलब है तो आप टॉप 2,000 के लिस्ट में भी आइएगा। तो एक जैसे जर्नी वगैरह में रहेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर होगा, ये मन विचलित होगा। 1 दिन पहले आपको आके अपने सेंटर पे जम जाना है, सेंटर पे जाके बैठ जाना है, वहाँ होटल ले लेना है, एकदम चिल रहना है, ठीक है। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका जो लोकल हैं जैसे पटना वगैरह में है, तो आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो घर पे रहिएगा, आसपास इधर उधर घूमने जाने कोशिश मत कीजिएगा। मतलब इधर शादी ब्याह तो चल ही रहा है, लगन है, मैं दोबारा ही कह रहा हूँ, तो इधर घूमना और ये सब थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बाइक और ये सब में देखते हैं डेली। आज ही एक हमारे साथ जुड़े छात्र हैं, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उनका है उनके भाई के साथ, मैं तो पूरा नहीं जान पाया, बट मान लीजिए ऐसा मेंस एग्ज़ाम है, यदि आपके साथ कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है तो एग्ज़ाम के प्रिपेयरनेस को थोड़ा सा कम कर देगा। ऐसे भी एडमिट कार्ड वाले सीन को लेके 5-7 दिन आप लोग परेशान रहते हैं ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और एक चीज़, एग्ज़ाम के दिन तक इतने दिन बैठ के आराम से एग्ज़ाम देना है, घर पे ही रहना है, जहाँ भी रहें बाहर निकलने कोशिश, देखिए धूप भी चल रहा है, लू लहर बह रहा है, पूरा एकदम माहौल गर्मा गर्म है, तो आराम से रहिए घर में। जितना टाइम स्पेंड कीजिएगा कहीं फिजिकल विजिकल अभी करने जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम का फिजिकल होगा 5-7 दिन बाद ही कीजिएगा। और अब अंतिम समय में अपनी तैयारी को अंतिम दिशा देना है, एक ही बुक लूसेंट क्राउन में से किसी एक पर फोकस करना, और अपना जो प्रीवियस सेट आप जो सॉल्व कर रहे थे फिर से उसी को कीजिए, अब नया कुछ करने से फ़ायदा है नहीं। और हिंदी एक दो सेट आप बना लीजिएगा, इनफ है। करंट के लिए जो आपने मेन मेन टॉपिक पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा, मतलब कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना हो। हालांकि BPSC और CDPO और NTPC में प्रश्न तो करंट के आएंगे ही, तो आपको चाहिए कि 2-in-1 कर लीजिए, एक ऐसे एक दो प्रश्न के लिए आप पीछे ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखना है ना। तो ये है दरोगा के लिए। और पूछ रहे थे कि अंतिम में, तो मेरा पिछला वाला एक वीडियो था, नए लोग जो हैं जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो को, मैं फिर से यहाँ पे इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। वो वीडियो हम लोगों ने शूट किया था 15 अगस्त या 26 जनवरी, 26 जनवरी का टाइम था। तो उस समय जब ऐसा माहौल होता है तो बहुत लोग आते हैं, गार्जियन आते हैं, बड़े बड़े मतलब हमारे लिए तो भाई जितने बड़े पुलिस अधिकारी उतने बड़े सेलिब्रिटी तो वो लोग आते हैं, तो हम लोग भी एकदम जोश और जुनून में रहते हैं। तो उसी पीरियड में गाना हमने शूट किया था जो सब दो एक 1,60,000 लोगों ने देखा था, मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, ये देखिए आपको भी ये मौका मिलेगा। नए वाले बैच के लोग भी वीडियो डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया था, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आप इसके साथ इसको देखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अब तो फिलहाल इतना ही। अब बिहार SSC की तरफ जो बच्चे नहीं, जिनका हुआ है प्री नहीं हुआ, 5.5 लाख लोग, और 5 लाख ऐसे 10-12 लाख उसमें भी फॉर्म गिरने वाला है, कंपटीशन तो वहाँ भी हार्ड है। 24 के बाद प्रॉपर उस पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल के साथ साथ। हमारा बैच ऑलरेडी बना हुआ है, रन कर रहा है, कभी 1200 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, अभी करेंट अफेयर्स चला रहे हैं ताकि 2-in-1 हो जाए।
करंट अफेयर्स एनटीपीसी में काम कर जाए, बिहार दरोगा में काम कर जाए, बीपीएससी में काम कर जाए, सीडीपीओ में काम कर जाए, और उसके बाद प्रॉपर जो मैथ रीजनिंग साइंस घटनाचक्र और लूसेंट क्राउन होगा प्रॉपर डेली बेसिस पे चलेगा, तब तक इस ग्रुप पे लोग जुड़ रहे हैं, आप जुड़ते रहिए। और जो दरोगा वाले हैं एकदम जीव जांत के, मन को मार के कहीं भी मत जाइए, बैठिए पढ़िए और मजे लीजिए पढ़ाई के। चाहे साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंद तुझको इशारे, कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,